संबल जनपद में जिलाधिकारी मनीष सुंसल का आदेश है कि किसी भी खनन माफिया द्वारा अवैध खनन नहीं किया जाए और अगर कोई खनन माफिया अवैध खनन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन खनन माफिया आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि खनन माफियाओं का दिमाग अधिकारियों से भी तेज हो चुका है। पुरानी कहावत है कि तुम डाल डाल और हम पात पात, यह कहावत जनपद संबल में साफ दिखाई देती नजर आ रही है। खनन माफियाओं ने अधिकारियों से बचने का बीच का रास्ता ढूंढ निकाला, जिसमें कि खनन माफिया तो कार्रवाई से बचने के लिए जनपद अमरोहा से परमिशन बनवाकर अधिकारियों को दिखाकर खनन करने में कामयाब साबित हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यह सब खेल देखकर थाना हजरत नगरगढ़ी क्षेत्र में सिरसी के निकट रेलवे लाइन के पास संबल मुरादाबाद रोड पर लगभग 50 बीघे से अधिक प्लाट को पठान कर रहा है। दूसरा खनन माफिया भी जनपद मुरादाबाद से परमिशन बताकर खनन करने में सफल होता नजर आ रहा है, जबकि ये खनन माफियाओं के डंपर आधे अधूरे कागजों के चल रहे हैं और इतना ही नहीं ओवरलोड मिट्टी भरकर ला रहे हैं, जिससे कि सड़क पर चलने वाले राहगीरों की मिट्टी आंखों में बढ़ने का खतरा बढ़ा हुआ है, जिससे सड़क पर चलने वाले किसी भी आंख में मिट्टी पड़ जाने से अपनी अनमोल आंख से हाथ धोना पड़ सकता है। रोजाना संबल राजस्व को भारी नुकसान भी पहुंच रहा है, जबकि नियमानुसार मिट्टी को तिरपाल डालकर ढक्कन लाना होता है। खनन अधिकारी से बात करने पर खनन अधिकारी भी टालमटोल करने में सफल होते नजर आए।